80% लोग जिस वात रोग से पीड़ित हैं, उसके सामान्य समाधान हमने बताए, और बड़े बड़े पहाड़ जैसे, हिमालय जैसे, जिनको कहा जाता था मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि इन रोगों को तो मिटाया ही नहीं जा सकता, कंट्रोल करना ही बहुत बड़ी बात है, और देते क्या, पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल्स, और उससे पूरा शरीर जो है ना वो अंदर तक खत्म हो जाता है। स्टीराइड लेने से, बायोलॉजिकल लेने से आंखों से अंधे तक लोग हो जाते हैं, फिर भी लोग खाए जा रहे हैं। तो पीडानिल है, ऑर्थोग्रीट है, पीडानिल ऑइंटमेंट है, पीडान तक तेल है, ये इतनी चीजें, दूध में हल्दी, शिलाजीत है, ऑर्थो निटिला, ऑर्थो केयर है, इतनी चीजें हमने दी हैं। योगराज गोकुल, महायोग योगराज गोकुल, लाक्षादि गोकुल, चंद्रप्रभावटी, कैशोर गोकुल, अलग अलग प्रकार की औषधियाँ, अलग अलग प्रकार के पेय, ये सब बता करके हमने आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, या जो भी इसके अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, एसएलएमएस, ऑटोमेटिक डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, सेरेब्रल पैलेसी से लेकर के विल्सन डिजीज से लेकर के एमएनडी, और तमाम तरह के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के जितने भी न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको आप मिटा सकते हो, लेकिन आपको योग तो करना पड़ेगा, खाने पीने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वातिष्ठि से हवन करना पड़ेगा, ये पीडानिल पेय के जो पांच द्रव्य, उनका रोज सेवन करना पड़ेगा, एटीएम की सब्जी, ये साधारण साधारण बातें हैं। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी और उसको गाय के घी में थोड़ा सा जीरा, धनिया, अजवाइन के साथ जब उसको आप बनाते हैं, और ये साधारण सी बातें अप्रतिम लाभ देती हैं। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि एक बार जो आपको हम तौर तरीके बताते हैं समस्त प्रकार के वात रोगों से मुक्ति के, उनको अपना लीजिए, और यदि आपको 7 दिन का वक्त मिल जाता है और पूरा शरीर जकड़ा हुआ, जैसे कुछ माँ बहन बेटियां बता रही थी, कुछ भाई बता रहे थे, जिनको भयंकर एंकलोजिंग स्पोलाइटिस है, रोमेटाइड आर्थराइटिस है, एक मतलब एक एक इंच शरीर का, एक एक शरीर की कोशिका, रोम रोम में पेन है, उसको भी हम 2-3-4 सप्ताह तक भी किसी को रोकते हैं, लेकिन 1 सप्ताह में भी करीब 80-90% भाई बहनों को लाभ हो जाता है, किसी किसी का तो 2-3 दिन में ही, ये जब सारी थेरेपी एक साथ होती है, बस्ती भी होती है, लीच भी होती है, सींगी भी लगवाते हैं, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर भी करते हैं, एक साथ कई चीज़ें अप्लाई करते हैं, साथ में खान पान भी कंट्रोल कर देते हैं, उपवास भी करवा देते हैं, और सब योगाभ्यास करवा करके पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। तो वक्त है नहीं, और दर्द से कहरा रहे हैं, समय निकाल नहीं पा रहे हैं, मजबूरियां हैं संसार की, तो कम से कम 2-3 दिन का वक्त निकालिए, ज़्यादा रोग हैं तो 7 दिन का वक्त निकालिए, और असाध्य रोग हैं तो 2-3 सप्ताह, किसी को तो हम 4 सप्ताह भी, जब असाध्य कोटि का आर्थराइटिस होता है, असाध्य कोटि का सोराइसिस होता है, लिवर सिरोसिस होता है, कोलाइटिस होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन फेलियर है, आंखों से दिखता नहीं है, तो उसको फिर पूरा प्रोसेस अक्षय तर्पण से लेकर के आई ग्रिड से लेकर के आई ग्रिड बस्ती से लेकर के अलग अलग प्रकार के उपाय करवा करके ऐसे ही करोड़ों लोगों को हमने पतंजलि वेलनेस से ठीक किया है। पतंजलि वेलनेस में आने के लिए 8954890210 पर संपर्क करके, या वेबसाइट के ऊपर जहाँ आपको खाली जगह मिलती है वहाँ घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन करके जीवन का एक नया अनुभव, अपने आप को बीमारियों से मुक्त करना, ये तो एक प्रक्रिया है, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और एक रीबर्थ होता है, माने एक जीवन में कुछ गुणातीत भावातीत तत्व हैं, और मैं बार बार इस बात को योगाभ्यास कराते हुए कहता हूँ कि आप योगाभ्यास में अपने शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, विचार, भाव, संवेदनाओं को साधें, लेकिन यदि आप गुणातीत भावातीत होकर के योग करते हैं तो अतिंद्रिय ज्ञान शक्ति संवेदना से जुड़ करके जीवन का अप्रतिम
जो सुख है, शांति, आनंद है, उसको भी यहाँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में आकर के आप पाते हैं। वात रोग माने 80% जिसके लपेटे में, घेरे में, उसमें ये एड़ी से लेकर के चोटी तक होता है। क्या नाम भाई आपका? हमारा नाम है बृजनाथ प्रजापति, ग्राम करण छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। कम से कम 15 साल से बीमारी है, कहीं नहीं जा सकते बिना डंडा के, चलते चलते गिर जाता हूँ। अच्छा, ये डंडा आपने ले रखा है? हाँ सर। हाँ यहाँ जगह और ये आपस में नहीं छटता है, बड़ी वाली लेटिंग से कर देता है, बैठ कर लेटिंग नहीं जाता, अलती पलती नहीं मार सकता। अभी क्या हाल, अभी आज अभी कर रहे हैं? थोड़ा हल्का है सर, करते करते हल्का हो रहा है। हल्का हो रहा है बाबा, अभी चलने भी लगेगा और डंडी छूट जाएगी तेरी। बहुत मेहरबानी। अब लोग पेन किलर खाते हैं, एक बात है, ये स्टीराइड खाते हैं। हमारा हमारा गांव में 10-12 आदमी ऐसे बीमारी के, बोले कि आप तू हो के आजा, फिर औरों को ले जाना, हम आपको भेजेंगे। अब ये बड़ी उम्र में भी होता है और छोटी उम्र में भी होने लग गया, तो इसके लिए एक ये तौर तरीका अलग हमने अपनाया। इसमें गर्दन पर, कंधे पर, रीढ़ की हड्डी पर, ऊपर नीचे चारों तरफ इसको, या कमर पर, सब जगह ये सींगी लगवा करके और इसको निकालते हैं। अभी इनको तो दो दो लग चुकी हैं। क्या नाम बेटा आपका? जी राजेश सिंह। कहाँ से? जी बैडिया डी मुतिहारी जिला से। अब देखो इसमें, ये देखो, ये खून भी और पानी भी दोनों ही निकलते हैं इधर। ये ऐसे ऐसे, ये जिनको थिक निकलता है, पानी भी निकलता है साथ में, तो ये अलग अलग। इसका मतलब ये है कि अंदर यहाँ वात विकृत होती है, इसको तो बहुत मोटा मोटा हो जाता है, बहुत सूज जाता है, तो वाटर टेंशन भी होता है, साथ में जो पेन मार्कर्स है, ESR है, यूरिक एसिड है, RA है, AN है, AVN है, CRP है, ये बढ़ने लगता है। और इसके कई कारण है, खान पान भी कारण है, जेनेटिक रीजन्स भी हैं। कब से हो रहा था दर्द? जी 7-8 साल से हो रहा है। अब क्या हाल है? जी ठीक है अब। नहीं, कितनी सींगी लग गई अभी? जी 2 लगा है। कहाँ का फायदा हुआ? जी कमर में और यहाँ, दोनों जगह करते करते फायदा हो रहा है। जी जी, गर्दन तो ऐसे टेढ़ा नहीं हो रहा था, हो गए। अरे करते करते गर्दन टेढ़ी होने लग गई। और तुम कहाँ से बेटा? यमुनानगर हरियाणा से। तुम्हारा क्या है, तुम्हारी तो नीचे भी लगाई है? हाँ जी 3 जगह लगाई है। हाँ, तो लगाते ही काफी रिलीफ मिला। लगाते ही हल्का हो जाता है, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट बेनिफिट। लोगों को ऐसा लगता था ये इन चीजों से भी इंस्टेंट फायदा होता है। और ये दर्द हुआ कैसे था बेटा? ये थोड़ा वेट उठाने से। वेट उठाया तो उससे मसल पुल हो जाते हैं, कहीं के अंदर की नस नाड़ियां, हड्डियां, उन पे जर्क आ गई। अब ये दूसरा बच्चा है, इसको चल रहा है अभी ये पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कुछ को नीचे देते हैं, कुछ को खाली ऊपर देते हैं, और ये पूरी पर दे दी। क्या नाम बेटा आपका? आकर्ष। आपको कैसे हुआ दर्द? मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो उससे मेरे बैक पेन हो गया। अब बाइक से एक्सीडेंट हुआ, अभी तो आपको ये करीब आधा घंटे से चल रहा है कार्यक्रम, क्या इससे क्या अंदर रिलीफ मिल रहा है? जी इससे बहुत रिलीफ मिलता है, करते करते इन चीजों से रिलीफ मिलता है, इंस्टेंट रिलीफ। अब लोग इन चीजों को भूल गए थे, हम इन्हीं चीजों को याद दिला रहे हैं। अब पोटली मसाज, अलग अलग प्रकार के अरेंड के पत्ते हैं, अमरबेल है, पारिजात है, निर्गुंडी है, इनको इनके पत्र लेकर के और उसका पोटली बना करके उससे मसाज करते हैं, घुटने पर भी मसाज करते हैं, ये पूरे शरीर पर भी होता है पत्रपिंड मसाज। आपकी उम्र कितनी बाबा? 70 साल। 70 साल जी। तो घुटने में थोड़ा दर्द शुरू हो गया था? दर्द हो गया था, ये नीचे तो बहुत ही, टांगों के नीचे ना जी, यहाँ परसों सिंगी लगाई, इतना बड़ा 10-12 ग्राम का एक पीस निकला जी अंदर से, काला बिल्कुल। और टांडा मेडिकल कॉलेज वालों ने मेरे को बोल दिया था कि अब आप ठीक नहीं हो सकेंगे, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेजर ऑपरेशन होगा, पेट फटेगा और उसके बाद 15% कामयाबी के चांस है। और इन बाबा मैं टेढ़ा होकर चलता था, अब बिल्कुल इन्होंने बाबा सिंगी वालों ने मेरे को उल्टा भी चला दिया और सीधा भी चला दिया। बिल्कुल चल गया एक ही दिन में। क्या नाम है? गुरदेव सिंह। अल्लाह, एक ही दिन में उल्टा सीधा दोनों तरफ से चल रहा है और
डॉक्टर ने बोल दिया 15% चांस है तेरे बचने के। कचरा निकाल दिया, कचरा निकला, खतरा टला। खैर ये तो सिरे धारा, उससे तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं पूरे। तेरे भी दर्द आ गया जी? मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हूँ और दो सालों से ये थोड़ा घुटने, पिछले साल ये योग्राम आए थे मिसेज को लेकर के, उसके रीढ़ गेट का ऑपरेशन पता हुआ था और खूब आराम आ गया उसके, उसी को लेकर के साल भर अभी एक साल पूरे हैं वो वार्षिकोत्सव टाइप का मनाने के लिए यहाँ कि भाई अब एक एक साल में आ रहे हैं कि दर्द जो है इनसे निजात मिल जाए। तो ये तो जो है पोटली मसाज है, फिर ड्राई मसाज करते हैं, इसमें बालू के अंदर ही डाल देते हैं अजवाइन, सेंधा नमक, और इससे सेकते हैं जिनके भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है उससे, और फिर ये किरण से सिकाई करते हैं जो है, कलर थेरापी करवाते हैं साथ में इसके, और इसमें इससे भी दर्द दूर होते हैं। तुम्हारा क्या नाम भाई? आधा घंटे से चल रहा है तुम्हारा भी? अखिलेश नाम है। हाँ, और कल पूरा मोच आ गई थी, इससे बहुत आराम हुआ स्वामी। मोच आ गई और इसको करने से बहुत आराम हुआ है स्वामी। हाँ, बहुत। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, तेरे भी घुटने जाम है? जी पूरे शरीर में दर्द रहती है, पूरे शरीर में, छोटी छोटी उम्र में आजकल ही बात रोग हो गया। अब पूरे शरीर में दर्द था, अब इसका दर्द निकाल देंगे सारा। अब ये बालों का मसाज हो रहा है इसका, अब इसके तो दो अब मसाज भी कर रहे हैं और पहले इसको ड्राई कफिंग कर दिया। क्या नाम भाई? मेरा नाम बाबूलाल स्वामी जी, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरा 2 साल से कमर का दर्द 50% कम हो गया। ला एक बार ये ऑर्थोग्रीक बस्ती से, ला ऑर्थोग्रीक बस्ती भी और ये अलाबू कर दी, कम हो गया है। 2 साल का दर्द 50% कम हो गया। 2 साल का दर्द एक ही बार की थेरेपी में। अब ये लोगों को भरोसा हो या ना हो, लेकिन है तो हकीकत। अब ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनको जमाना भूल गया था उनको हम याद दिला रहे हैं। उधर तो भाइयों का था, इधर बहनों का सिरोधारा चल रहा है, बहनों का भी जो है ये नशे भी चल रहा है, मसाज भी चल रहा है। अब तेरे भी कहाँ कहाँ दर्द था भैया? स्वामी जी मेरे तो 20 साल से कमर दर्द है, अबे हम चौथा दिन आज आए, मतलब चौथा दिन हमें, और मेरे को 20 साल से कमर से बहुत परेशान हूँ, बहुत दिखा चुके हैं, और 10 महीने से घुटने में, और 12 साल से मुझे बीपी है बहुत ज्यादा। अब 10-10, 12-12 साल की बीमारी, अब तेरा सारा दर्द भी ठीक करेंगे और घुटने भी ठीक करेंगे। अभी जानी बस्ती ये बीच और ये सब कराएंगे सिंगी, और तेरे कमर में क्या फायदा बेटा? कमर में मेरा आराम है जी, पहले मैं चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी, अब थोड़ा बहुत चल पा रही हूं। हां जी, और मेरा मैं आई थी 2 बार योगग्राम में, इसी साल में मैं 3री बार आई हूं अब यहां, योगग्राम का मिला नहीं था। हाँ। और आपसे भी मिली मैं दोनों बार। जी 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 जी। और इंसुलिन तो मेरा बंद हो गया था। इंसुलिन बंद हो गया? हाँ जी, पर मेरी अब शुगर ना फिर बढ़ रही है। कितने? मेरा 200-300 जा रही है। 200 में कोई दिक्कत नहीं है, बस अब इसको ना खान पान योग, और क्योंकि कमर में भी दर्द है तो एक लिमिट में कर सकते हो, तो लिमिट में ही करो, लेकिन हो जाएगा। नहीं स्वामी जी, मैं तो काफी ठीक हो गई थी, लेकिन अब मेरे यूरिन में इन्फेक्शन हुआ और उसमें पस आ रहा है। उसके कारण से गड़बड़ गया, तो गोखरू साथ में पी लेंगे। इतना 15 दिन बुखार है, गोखरू और साथ में पी लेंगे। अब एक बार तो ठीक होगी, लेकिन फिर ये कई नई नई उपद्रव आ जाते, गोखरू का आ गया। खैर ये मट्टी की पट्टी करवाते पेट पर भी, माथे पर भी, पूरे जॉइंटों में दर्द है। आर्थराइटिस था जो, वो तो ठीक कर लिया मैंने घर पे, और घर पे ठीक कर लिया। बीपी और वो बीपी और ये थायराइड सूखने वाला हो गया था, 15 किलो वजन कम पड़ गया था बाबा जी। अभी भी तेरा वजन तो अभी भी कम ही है? अभी भी कम है, वजन बढ़ाने के लिए और शुगर की गोली छोड़ने के लिए आई हूँ, एक गोली ले रही हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। आई जब से अब देखूंगी क्या जा ना, सब हो जाएगा। कितनी उम्र है तेरी? मेरी 61 साल। 61 साल की उम्र है। और इधर ये दूसरे भाई हैं, इधर भी लगा रखी है इसको, लगा दी। कहाँ कहाँ लगाई थी बेटा? कमर में लगाई थी समझे। हाँ। पीठ में मेरे को L4-L5 में गैप था। एक्चुअली मैं एथलेटिक्स प्लेयर थी, तो वो खेलती थी जी। किस क्या? शॉर्ट फुट और हैमर फेंकती थी, तो हैमर तो बहुत जी ताकत था ये जी, तो हैमर के प्रैक्टिस में मेरा पीठ खींच गया था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, दर्द बहुत होता था।
फिर मैंने एलोपैथिक में दिखाया, वैसे मैं जॉब करती हूँ एलोपैथिक में ही हूँ। मैं वहाँ तो बोले, पहले तो बोले कि तुमको मतलब गैप आ गया L4 L5 में, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं आप जब उस संस्कार में आते थे तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। अब क्या हाल है? कल एक्यूपंचर कराई तो मेरे को रिलीफ मिला, आज अभी इसी कराई। मैं इतना देर नहीं बैठ सकती थी, अभी मैं एक घंटे से करीब बैठी हूँ, एक घंटे से बैठी हूँ। मैं 10 मिनट योगा करती थी यहाँ, 10 मिनट नहीं बैठ सकती, और अब एक घंटे से बैठी। एक घंटे से मैं लेट के मतलब कपाल भांति करती थी, मैं बैठ के नहीं करती थी, इतना मेरे को प्रॉब्लम। जो पहले बड़े बड़े वजनी चीजें फेंकती थी वो खुद का वजन उसको अब नहीं झेला जा रहा था। एक सींगी लगाने से, थोड़ा एक्यूप्रेशर करने से अब एक घंटे से बैठी है। और स्वामी जी, मेरे को रिसेंट में 2005 में प्रॉब्लम थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो बोले कि आपको निकालना पड़ेगा। तो निकाला तो नहीं ना, नहीं, ना योग कर, मैं आपका योग की 2005 से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। अब निकल गई गांठ? नहीं नहीं, मैं योग की, और फिर जब 6 महीने बाद उनको दिखाने गई तो बोले कौन बोला है कि आपको गांठ की, 2.5 इंच टेस्ट बताए थे, कौन बोला? खत्म कर दी, ये टेस्ट निकलने से बच गया, कमर टूटने से बच गई। तुमने भी सींगी लगवा ली सबने? कहाँ कहाँ लगवाई? कमर में लगाई। क्या फायदा हुआ? अभी आज ही लगाई है, थोड़ा हल्का ही महसूस हो रहा है, लेकिन दर्द तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा चलता है। दर्द पूरा शरीर पर वायु का भरा हुआ दिख ही रहा है, निकल जाएगा, लेकिन ऑपरेशन की गड़बड़ हुई है, लेकिन इसको अब कंटिन्यू। वेट मेरा कम हुआ है। वेट कितना कम हो गया? 2 किलो वेट कम हो गया। अब इसको कंटिन्यू करना है, और ये सारे जहाँ जहाँ दर्द है ना, थोड़ा थोड़ा निकाल, खड़े से निकल जाएगा। तेरा कहाँ था? मेरे ओम बाबा जी, मेरे सारे जॉइंटों में दर्द था, 8 साल थे। अब मैंने यहाँ 4 दिन से थी, 4 दिन से बहुत आराम है, हाथ पैर उठने लगे, नहीं मैं दूसरा आदमी उठाता था मुझे। मैं अपने अभी हाथ हाथ भी जाम था, उठने लगे ऐसे करके, उठने लगे, अब तो कपड़े ओढ़ने लगी, दुपट्टा गिर नहीं सकते नहीं, ऐसे ऐसे करके धरती थी। तो मैं बहुत आराम है, अब खड़ी होके चल के दिखा। हाँ मैं चल रही थी, चल आराम से, ले लो लो। मैं तो चलने लग गई थी, इसका हाथ फिर नहीं चल पा रहा था, वो धीरे धीरे चल। अब इसको अब यूँ लगता है कि वो तो जादू जैसा हो गया। इसका ये आर्थराइटिस में बुरी तरह से जकड़ जाता आदमी। तेरे को कहाँ दर्द था? ये घुटनों में दर्द था, ये सिंगी लगी हुई है। मैं यहाँ 25 तारीख से आई हूँ, यहाँ 3रा दिन है, और मुझे रिलीफ लग रहा है, काफ़ी रिलीफ लग रहा है। और मैं रात को सो नहीं सकती थी, बिस्तर पर पैर नहीं कर सकती थी, तकिया लगा के मुझे रहना पड़ता, लेकिन मुझे आराम मिल रहा है। पीरानेल गोल्ड आर्थोग्रिट बातारी चूर्ण, ये सब मैं बस्ती भी ली है। बस्ती नहीं ली सर। तो बस्ती भी और ले लेना, बस्ती और ये रक्त मोक्षण बोलते हैं इसको, सिंगी को, लीच को, दोनों काम कर लिए ना तो दर्द नहीं रहेगा। बातें छोटी छोटी हैं। हेलो, बात रोग बिगड़ता है तो पाचन भी बिगड़ जाता है। खैर, बहनों की थेरेपियाँ एक मर्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं दिखा सकते, लेकिन ये मिट्टी पट्टी से लेकर के सारी चीज़ें करवा करके, बहन हो या भाई हो, कंधे में बहुत दर्द हो रहा है इसमें, ये उठाया नहीं जाता और ये कुछ पकड़ा नहीं जाता, ये ऑर्थोपेडिक, ये अब दोनों में इसमें अभी अब उठ करके इसमें दोनों में सींगी लगा ले, हाथ भी उठ जाएगा और पैर भी चलने लगेगा। जा उधर, वो बाबा बैठा ना, हालूराम वैद्य, हालूराम डॉक्टर, हालूराम हिला, हालूराम इसलिए हिला दो सबको ये। तो हाँ, अभी कौन है, थोड़ा शुगर कंट्रोल आ जाएगा तब सिंगी भी लगा दे। हाँ जो एक 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 दो लगा लो। हेलो फ्रेंड्स, हूँ गुजरात थी आऊँ छू, अने गुजरात थी पतंजलि योगपीठ में मारो वजन उतारवा माटे आवी थी। मारो वजन छे ई 149 किलो थई गयो हतो, पण मैं घरे थी डायट ने बधुं करीने 18 किलो वजन घटाड्यो, अने त्यारबाद मारो वजन 130 ऊपर आवी अने स्टक थई गयो हतो।
तो मारा बॉडी में एटली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि हूँ एक्सरसाइज कर सकूँ, वर्कआउट कर सकूँ के मैं ध्यान आपी सकूँ। पर जयरे हूँ बाबा की पास आई पतंजलि योगपीठ में 7 दिवस की शिबिर एटेंड करवा, तरह पहला दिवसे मरा फक्त 3 पग उपड़ता था, सामान्य एक्सरसाइज थती थी, श्वास अँ सुधी लेवा तो। पर धीमे धीमे कर हूँ आज त्रिकोणासन है, बीजा ताड़ासन है, बधा आसन है 100-100 कर सकूँ एवं है। 7 दिवस अंदर मैं 9 किलो वजन घटाड़ू है और अँ मैंने सारूँ एवं रिजल्ट मूँ है। योग प्रत्येनी मारी आखी विचारधारा बदलाई गई है। अँ जयरे मैंने एक पहली टाइम एक्सरसाइज करती थी, वर्कआउट करती थी, तरह पगना दुखावा जेवा दुखावा थे था, बॉडी मसाज है, जलनेती है, ये अलग अलग के बड़ी प्रक्रियाओं करी, ट्रीटमेंट करी और अमने लोग ने सारवार आपवामां आवे छे, जेथी आपणी बॉडी है ये कसरत करवा माटे, वर्कआउट करवा माटे थई अने तैयार थई जाए छे। आ रीते मने फायदो थयो छे। मेरा नाम अजय कुमार महेश्वरी है, मैं राजस्थान जयपुर से आया हुआ हूँ। मुझे आज यहाँ 4 दिन हो गए और 4 दिन में मैंने बाबा की कृपा से 3.5 किलो वजन कम किया है और रोज़ सुबह 3:30 बजे उठते हैं, वहाँ जल नेति, सूत्र नेति और आई भी, उसके अलावा वहाँ पे बाबा के योग शिविर में अटेंड करते हैं और सुबह कपालभाती, अलोम विलोम सारी एक्सरसाइज करा के उसके बाद अच्छे खाने के फ्रूट से रहने के बढ़िया 5-स्टार होटल जैसे कमरे हैं, सारी सुविधा बाबा की तरफ से दी जा रही है हमको और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी माँ भी मेरे साथ आई है, उसका भी वजन कम हुआ है 4-5 किलो 4 दिन में। धन्यवाद जी। मेरा नाम हरे राम कुमार है, मैं बिहार के जहानाबाद जिले से आया हूँ। मेरा वजन 88 किलो था लेकिन अभी बाबा जी की कृपा से मेरा वजन 83 किलो हो गया, 4 दिन में 5 किलो मेरा वजन घट गया है। बाबा जी के दिशा निर्देश और बाबा जी के औषधि से बहुत प्रभाव पड़ता है वजन पे। पतंजलि योगपीठ में आने से सारा दुखों का कल्याण हो सकता है आपका, आप आइए और आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया उपचार होगा। मेरा नाम कृष्ण मुरारी है, मैं जहानाबाद बिहार का रहने वाला हूँ और मैं 5 दिन के अंदर में 7 किलो वजन वेट कम किया है और आज 5वां दिन है मेरा। और यहाँ पर जो प्रणाम सुबह से लेकर 7:30 बजे तक के और शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम लोग योग प्रणाम करते हैं और बहुत सारे थेरेपिया का जाके आनंद लेकर और समूचे दर्द को मिटाते हैं और जो भी है दर्द हमारा समूचे जो भी ठीक हो गया और जो भी फैट है वो भी जाके लॉस हो गया। ये 5 दिन के अंदर में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और बहुत हम लोग पहले से परेशान थे, यहाँ पे आने से बहुत सारी हम लोग का फैट वगैरह कम हुआ। हेलो, हम जहानाबाद जिला से बोल रहे हैं, बिहार से। हमारा नाम है लीला देवी। 4 दिन के अंदर में 4 किलो भर वजन कम गया है, 85 किलो वजन था। अब जब बहुत सांस लेने में दिक्कत होता था, बड़ी मोटापा बढ़ ले रहा था। ओम जी, मेरा नाम राम किशोर रत्नाकर है और मैं बरेली यूपी से यहाँ आया हूँ। मैं पतंजलि से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और साथ में मैं बरेली का योग शिक्षक भी हूँ और पतंजलि योगपीठ का मेंबर भी हूँ। अभी मैं यहाँ पे शिविर में आया हुआ हूँ जो कि वेलनेस सेंटर में चल रहा है। इसमें अभी मैंने जब आया था तो मेरा वेट कुछ बढ़ गया था, तो अभी वेट मेरा जो है करीब 95 से अभी 90 kg पे आ गया है। और ये बात सत्य है कि योगा से ही होगा, ये बिल्कुल वचन सत्य है। और जो लोग योगा प्राणायाम निरंतर करेंगे उनका जीवन जो है हमेशा दीर्घायु होंगे वो और निरोगी रहेंगे, ये बिल्कुल स्वतः सिद्ध है। और स्वामी रामदेव जो योग का इतनी सेवा कर रहे हैं उसके लिए हम सबको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। और स्वामी जी सही मानों में यहाँ पे सेवा भाव से जनता के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम मयंकर है, मैं थैरा तून से हूँ। मेरा वजन 95 किलो था, 70 किलो हो गया है। यहाँ आने से मुझे बहुत लाभ हुआ है। ओम, मैं देवेंद्र गुप्ता अजमेर राजस्थान से हूँ। लगभग 95 से हम लोग योग से जुड़े हुए हैं। बाबा जी ने जब 95 में अजमेर में शिविर किया था हम लोगों ने वो शिविर भी अटेंड किया था, लेकिन व्यस्तताओं के कारण हम उस समय इतना योग नहीं कर पाए।
आफ्टर रिटायरमेंट हम लोगों ने फिर से योग में जुड़े और वापस से योग करना शुरू किया, तब से हमें लाभ मिलना शुरू हुआ। लेकिन आशातीत लाभ हमें यहाँ आके मिला है। यहाँ आके 3 दिन में मेरा वज़न 5 किलो कम हुआ है और शरीर की जो स्टिफनेस थी वो भी काफ़ी कम हुई है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी की गई हैं, रहने की, खाने की, पीने की और जो भी थेरेपीज़ हैं वो सभी अच्छी तरह से दी जाती हैं। जो भी यहाँ के स्वयं सेवक वगैरह लगे हुए हैं वो निस्वार्थ भाव से बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। ओम, मैं इंदुवाला तिवारी राउरकेला उड़ीसा से आई हूँ। मैं महाराज जी से 2005 से जुड़ी हूँ। मैं योग टीचर हूँ। हम लोग दोनों पति पत्नी इस कार्य में लगे हुए हैं और मुझे 2012 में अल्सरिव कोलाइटिस हो गया था और मैं डॉक्टर के दिखाने के बाद फिर मैं योगग्राम गई, योगग्राम में ट्रीटमेंट लेके आज मैं पूर्ण रूप से उस अल्सरिव कोलाइटिस से ठीक हूँ। लेकिन मुझे अभी थोड़ी अर्थराइटिस ये सब हो गया है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं देश से विदेश तक योग करा चुकी हूँ और मैं योग करती हूँ, लोगों की सेवा करती हूँ और मैं इस काम में महाराज जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं जीवन तक जुड़ी रहूँगी, ये मेरी प्रार्थना है। महाराज जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और सारे स्टाफ को, मैं सारे लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिसने इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं लता ठाकरान गुरुग्राम से आई हूँ, पतंजलि वेलनेस में। मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, मोटापा था, लीवर फैटी था और गैस बनती थी, भूख नहीं लगती थी, आँखों में था और मेरे हाथ पैरों में जकड़न थी। मेरी काफ़ी सारी बीमारियाँ यहाँ आके ठीक हुई हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, सारा सब कुछ, दवाइयाँ वगैरह, ट्रीटमेंट इतने अच्छे हैं जो कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ पे मेरा 4-5 किलो 7 दिन के अंदर वेट कम हुआ है और यहाँ पे आके एक अजीब सी मतलब शांति है और मतलब बहुत ही अच्छा बाबा जी काम कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके जुड़ें, आपको बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा। धन्यवाद। मैं गुड़गांव से आई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं पहली बार वैलेंस में आई हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम थी मुझे, हर बीमारी में मुझे फ़ायदा हुआ है। अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, अच्छी व्यवस्था है यहाँ। बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोगों के लिए। सब लोग यहाँ आए और लाभ उठाए। ओम जी, मेरा नाम सोनम ठाकरान है, मैं गुड़गांव हरियाणा से आई हूँ। मैं पतंजलि वेलनेस में पहली बार आई हूँ और मैंने अपना 5 दिन में 3 kg वेट लॉस किया है और यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो जो भी लोग बीमार हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि वो ज़रूर आके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले, उनको ज़रूर लाभ होगा। थैंक यू। मेरा नाम बीना गुप्ता है, मैं अजमेर राजस्थान से आई हूँ और मैंने 3 दिन में 4 किलो वेट कम करा, 66 किलो था जो 62 किलो अब हो गया। मेरे BP और शुगर में भी बहुत लाभ हुआ है, काफ़ी डाउन हो गई दोनों चीज़ें।